जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है फ्राइडे का दिन, जब काफी सारे हिंदी कंटेंट को सरप्राइज रिलीज भी किया जाता है, बट अफसोस आज के दिन में हमें कोई बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जो भी मूवीज एंड सीरीज देखने के लिए अवेलेबल हुई है आज के दिन में या फिर आज दोपहर से होने वाली है, उन सभी के बारे में ही आपको इस वीडियो में फास्ट पेस में बताने वाला हूं। तो वीडियो छोटी होने वाली है तो एंड तक मेरे साथ बने रहें। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। बाकी अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले TVF की ओर से, मतलब कि एक इंडियन बड़े प्रोडक्शन हाउस की ओर से, एक हिंदी शॉर्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है के ड्रामा का भूत, जो अभी TVF के YouTube चैनल पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो एक छोटी सी कॉमेडी ड्रामा शॉर्ट मूवी है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। TVF के YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद इस संडे को साउथ की एक बड़ी मूवी को हिंदी डब में टीवी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है ऑक्सीजन, जो साउथ की एक बड़ी मूवी है और अभी पहली बार हिंदी डब में टीवी प्रीमियर होने वाली है, जो इस संडे मींस के 25 फरवरी की रात को 8 बजे सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर हो जाएगी हिंदी डब में। और नेक्स्ट वीक में ये मूवी किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल सकती है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए इस मूवी के बारे में तो आप मुझे मंडे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं इस मूवी को लेके। इसके बाद साउथ की ही एक और बड़ी मूवी गिमी को भी हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जो भी इस संडे को ही टीवी प्रीमियर होने वाली है स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पे, जो एक हॉरर रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें एक ऐसे कपल की कहानी देखने को मिलेगी जो आपस में प्यार करते हैं, लेकिन लड़की के पिताजी उन दोनों को अलग करने के लिए सारी हदें पार करने वाले हैं। तो कैसे वो लव लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, वही हमें इस मूवी में डराने वाली कहानी के साथ दिखाया जाने वाला है, जो 2019 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.3 की है, जो अभी इस संडे से स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पे हिंदी में टीवी प्रीमियर की जाने वाली है। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है Formula 1 का Season 6, जिसके पहले 5 सीजन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हैं और अभी इसका Season 6 भी आने वाला है। तो ये सीरीज अभी आज दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी हिंदी डब में। इसके बाद विद्युत जम्बाल की इस फ्राइडे को ही रिलीज होने वाली है एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी, जिसका नाम है क्रैक, जिसमें हमें बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाले हैं और स्पेशली विद्युत भाई के हमें बड़े बड़े स्टंट भी देखने को मिलेंगे, जिसको उसने खुद ही परफॉर्म किया है इस मूवी में, जो हम सोशल मीडिया पे भी काफी बार देख चुके हैं कई लोगों की ओर से परफॉर्म करते हुए, जिसके दौरान कईयों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। तो वैसे ही स्टंट इस मूवी में एक्शन और थ्रिलर भरी कहानी के साथ दिखाए जाने वाले हैं, जो अभी इस फ्राइडे से ही ओनली थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ये एक बढ़िया और मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही रिलीज होने वाली है कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी Article 370, जिसमें हमें जम्मू कश्मीर की कहानी देखने को मिलेगी और इस सच्ची कहानी के साथ साथ हमें बढ़िया एक्शन और थ्रिल भरी कहानी भी देखने को मिलने वाली है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस मूवी में बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाले हैं, बाकी सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड है तो मस्ट वॉच तो होने ही वाली है। इसके बाद साल 2023 में ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी जिमी शेरगिल की एक हिंदी बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आजम, जो काफी लंबे समय से OTT रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो मूवी हमें इसी फ्राइडे को ही बुक माई शो स्ट्रीम पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही, मतलब के 23 फरवरी को बुक माई शो स्ट्रीम पे ही रिलीज होने वाली है हॉलीवुड की एक बढ़िया साइफाई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी 57 सेकंड्स, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी 57 सेकंड के लूप में फंस जाता है, मतलब के फिर से 57 सेकंड पीछे चला जाता है अपनी जिंदगी में। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज होने वाली है एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मियां कल्पा, जिसमें हमें एक लॉयर की कहानी देखने को मिलेगी, जो अभी एक सेलिब्रिटी का केस अपने हाथ में लेने वाली है, जिसको उम्मीद होती है कि शायद वो सेलिब्रिटी उसके प्यार में पड़ जाए। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई हिंदी वेब सीरीज, जो एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज होने वाली है, जिसका नाम है इंद्राणी मुखर्जी केस, जिसमें हमें एक इंडियन लेडी शीना बोरा की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो मुंबई में रहते हुए साल 2012 में अचानक से गायब हो गई थी। बाकी पूरी कहानी क्या रही थी और क्या था वो दिल दहला देने वाला क्राइम, वही सच्ची कहानी हमें इस सीरीज में दिखाई जाने वाली है। इसके बाद Amazon Prime की ओर से साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया वेब सीरीज, जिसका नाम है पोचर, जो कुछ सच्चे क्राइम से इंस्पायर्ड वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें क्राइम और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलेगी, जिसके 8 एपिसोड अभी 23 फरवरी से Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक नई मलयालम एक्शन फैंटेसी थ्रिलर मूवी मलाई कोटाई वालीबन, जो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है इस फ्राइडे को, जिसे अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से साल 2023 में एक 18 प्लस एडल्ट रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी के 2 पार्ट्स को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है थ्रू माई विंडो। अभी इस मूवी का नेटफ्लिक्स की ओर से 3rd पार्ट भी अनाउंस कर दिया गया है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है।
इसके बाद काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी हॉलीवुड की एक स्लैशर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सॉ का पार्ट 10, जो अभी हमें 23 फरवरी से लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक्स, जिसका सीजन 3 अभी रिलीज होने वाला है, जिसमें हमें ग्रैंडफादर और ग्रैंडडॉटर की कहानी देखने को मिलती है। लेकिन अफसोस, ये वेब सीरीज ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज हुई है और सीजन 3 भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाला है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक बढ़िया 18 प्लस एडल्ट एनिमेशन वेब सीरीज, जिसका नाम है द सेकंड बेस्ट हॉस्पिटल इन द गैलेक्सी। बाकी ये बड़े बच्चों के लिए बनाई गई एनिमेशन वेब सीरीज है, जिसको ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है इस फ्राइडे से ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से। इसके बाद इस फ्राइडे को ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है एक और बढ़िया हिंदी मूवी, जिसका नाम है ऑल इंडिया रैंक, जो एक इंस्पिरेशनल कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलेगी जो IIT में एडमिशन लेने के बाद अपनी जिंदगी में कैसे स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ता है सक्सेस को हासिल करने के लिए, वही हमें हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है इस मूवी में, और अभी ओनली थिएटर्स में ही इस फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाली है। तो ये थी अभी तक की कन्फर्म हुई OTT पे आने वाली बड़ी बड़ी मूवीज। बाकी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज अनाउंस होती रहेंगी, तो ऐसी ही बढ़िया अपडेट लेते रहने के लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको इस फ्राइडे एंड सैटरडे को रिलीज होने वाले बाकी बढ़िया कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।